start. Hi, मैं कांचा. अरे ऐसे क्या देख रहे हो भाई? याद नहीं उस दिन ऑटो में मिले थे? खैर छोड़ो. भैया कितने हुए? 200 रुपए. बाय गॉड, तुम्हें क्या बताऊं मैं, 200 रुपए कितना ज्यादा है. लूट रहे हैं, लूट रहे हैं. तुम्हें पता है जीने के लिए ना पैसे की जरूरत नहीं होती, आइडिया की जरूरत होती है. वो कहते हैं ना टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता. मुझे देखो, बिल्कुल करेक्ट ट्रेन पे बैठी हूँ, लुधियाना टू दिल्ली. ऑर्फन हूँ, दिल्ली अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ. तुम्हें पता है 12th में ना मेरे 63% आए थे. अब ना मैं दिल्ली जाके सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लूंगी, देखना तुम. और सबको बता दूंगी कि मैं किसी से कम नहीं. बाकी तुम्हें पता है दिल्ली में लोकल बस में ट्रैवल करने का मजा ही कुछ और है, वो भी स्टूडेंट आई कार्ड में. या तो इंडिया का झंडा लेके प्रोटेस्ट ही कर लो. इंडिया में ना सब चलता है, बस जुगाड़ लगाना आना चाहिए. खैर मैं ना दिल्ली पता क्यों आई हूँ? अपनी माँ से मिलने. वो माँ नहीं है, हंटर माँ है, हंटर माँ. जब देखो चेक 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 करती रहती है. बस एक बार उसे बताना चाहती हूँ कि इस एज में बच्चों को अनाथ आश्रम डालने से बहुत बुरा असर पड़ता है. खैर छोड़ो, जेब में ना मेरे 53 रुपए हैं, सिर्फ 53, पर मुझे लगता है मैं ये 3 साल आराम से निकाल लूंगी विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि मैं खुद में ही बहुत ओवर स्मार्ट हूं ना. खैर छोड़ो, तुम्हें पता है मैं यहाँ पे क्यों आई? सिर्फ उस वार्डन, उस अनाथ आश्रम वाली वार्डन जो बहुत ही गंदी थी, जो आप देखो मारती पीटती रहती थी. फिर उसे देख के ऐसा लगता था क्या काश माँ भी ऐसी होती है, पता नहीं. और अब इस लोनली से प्लैनेट में अपनी छोटी सी लाइफ डिस्कवर करूंगी, देखते हैं क्या होता है. हे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ अक्कल वक्कल है कि नहीं? थप से बोली जा रही हूँ यार, तुम हो कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता.